उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिन से ज्यादा कार्यकाल में तमाम गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई है और इस बार सहीबाबाद के निधि बिल्डर के मालिक धन सिंह पर कार्रवाई करते हुए सहीबाबाद की एक बड़ी इमारत को सील किया गया है। गौरतलब है कि निधि बिल्डर के मालिक धन सिंह अपने को लगातार सत्ता में शामिल बड़े नेताओं का साथी बताता था और इस दौरान वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों पर रौब भी जमाता था। तो गैंगस्टर के इमारत को सील किया गया है। योगी सरकार में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब धनपाल सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। निधि बिल्डर के मालिक धनपाल सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। योगी सरकार में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में गाजियाबाद में निधि बिल्डर के मालिक धन सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर की इमारत को सील कर दिया गया है। दरअसल धन सिंह अपने आप को सरकार में मौजूद तमाम बड़े नेताओं का करीबी अपने आप को बताता था और उसी के जरिए अधिकारियों पर भी रौब गाँटता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बता दिया है कि दरअसल कोई भी हो उत्तर प्रदेश में यदि नियम के विरुद्ध चलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निधि बिल्डर के मालिक धन सिंह पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर की इमारत को सील कर दिया गया है। ये 5 मंजिल का मकान है, लगभग 5 करोड़ के ऊपर इसका कीमत है मार्केट वैल्यू में और इसका 14 एकड़ कार्रवाई हो रहा है। आज आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई होगा इन क्या और गुमाते के खिलाफ, गाजियाबाद पुलिस के तरफ से कार्रवाई अच्छी तरह से किया जा रहा है। संख्या है सबने बताया कि ये जो है 5 मंजिल है, जो एक संपत्ति इनकी यहाँ पे चली थी इस पर सील किया जा रहा है और इसमें जो भी आगे डिमांड पर कार्रवाई अगर होगी, अगर जो है डिमांड इसमें कुछ हुआ होगा नक्सली के विरुद्ध उस पर कार्रवाई की जाएगी और अगर नहीं हुआ होगा अगर प्रूफ में है तो ठीक ही है, उसके आगे फिर उसमें ये जब्त करके जो उन्होंने कार्रवाई की जानी आगे वो की जाएगी। 14 एक की कार्रवाई की जा रही है। धनपाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिन से ज्यादा कार्यकाल में तमाम गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई है। इसी के तहत गाजियाबाद के साहिबाबाद में निधि बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए इमारत को सील किया गया है। इसमें मौजूद है गाजियाबाद के राजेंद्र नगर स्थित साहिबाबाद इलाके में और ये तमाम इमारत जो आप देख रहे हैं ये वो इमारत है जो निधि बिल्डर के अधीन बनाई गई थी। निधि बिल्डर यानी कि वो बिल्डर जिस पर फिलहाल कार्रवाई कर दी गई है, फिलहाल वो जेल में है लेकिन गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और यहाँ पर आपको दिखा दिया किस तरीके से दिखाया गया है। बोर्ड पर एक पेंटर है जो लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है वार्ड संख्या 2227/2022 बनाम धनपाल सिंह में धारा 14(1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप, यानी कि जो काम किया गया था धनपाल की तरफ से वो अनैतिक था और अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की गई है और ये यहाँ पर नोटिस चस्पा दिया गया है। उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद थे, तहसीलदार मौजूद थे जिन्होंने साफ कर दिया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी। अब ऐसे में 100 दिन से ज्यादा जो कार्यकाल हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसमें तमाम गैंगस्टर को निशाना बनाया गया है और न सिर्फ निशाना बनाया गया है बल्कि उनकी संपत्ति को भी कुर्क किया गया है। ऐसे में धन सिंह की संपत्ति को सील किया गया है। देखने वाली बात यह होगी आने वाले समय में और जो गैंगस्टर हैं उन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चाबू किस तरीके से चलता है। गाजियाबाद से मुझे ईरान के साथ जितेंद्र भाटी, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र